सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। तमिलनाडु के चेन्नई सर्किट हाउस, काजीपुरम जिला के राजीव भेजंडी मेमोरियल पैलेस, श्री पेरम्बदूर और महाबलीपुरम जिले के सिसोरी टेम्पल प्रांगण में विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु और बनराकी मूवमेंट के प्रनेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल, बीपीएस संस्था के सचिव अरविंद कुमार एवं प्रधान सचिव सह पंचायत डाली बाजार के मुखिया पूनम जायसवाल, तमिलनाडु के नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष सोंडी बिग्रम एवं सचिव सनी कच्छ के साथ पौधारोपण और वृक्षों पर रक्षाबंधन किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष और सचिव को राखी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों को पर्यावरण धर्म का पाठ भी पढ़ाया गया। कार्यक्रम के उपरांत स्टेट बैंक के मैनेजर कृष्णा प्रसाद ने पर्यावरण धर्म गुरु व सचिव को सम्मानित किया। बनराकी मूवमेंट के प्रनेता कौशल ने कहा कि आज के अर्थ के लिए हो रहे उस अनर्थ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए दुनिया के तमाम लोगों को अपना धर्म के साथ पर्यावरण धर्म और बनराकी मूवमेंट को अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पर्यावरण धर्मगुरु कौशल ने कहा कि उनके द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क पौधा वितरण सह रोपण के 56 वर्ष और पर्यावरण धर्म व बनराकी मूवमेंट के 46वां वर्ष पूरा होने के उपरांत पिछले वर्ष नेपाल भूटान समेत देश के 10 राज्यों में 2,00,000 पौधा का वितरण सह रोपण के साथ वृक्षों पर रक्षाबंधन और पर्यावरण धर्म पर गोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, जिसके शुभारंभ माह जुलाई में पलामू प्रमंडलीय आयुक्त ने छतरपुर के ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर से निशुल्क पौधा वितरण शिविर एवं वृक्षों पर रक्षाबंधन कर किया था। पर्यावरणविद कौशल ने कहा कि अब तक झारखंड समेत बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के 7 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किए जा चुके हैं। उसी की कड़ी में तमिलनाडु में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके बाद कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम को बृहद आकार देने के उद्देश्य से उन प्रदेशों में नए अध्यक्षों और सचिवों की भी नियुक्ति की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोगों में कृष्णा प्रसाद, सोडी बिग्रम, शक्ति पी कुमार, सनी कच्छ, अतुल प्रसाद, संतोष कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे। 57 वर्ष और पर्यावरण धर्म और बनराकी मूवमेंट के 47 वर्ष पूरा होने के उपरांत इस वर्ष 2023 में नेपाल भूटान समेत देश के 10 राज्यों में 2,00,000 निःशुल्क पौधा वितरण सह रोपण, वृक्षों पर रक्षाबंधन और पर्यावरण धर्म पर गोष्ठी का आयोजन करने का लक्ष्य लेकर के आज हम लोग तमिलनाडु के आज चेन्नई के कार्यालय में हम लोग वृक्षों पर रक्षाबंधन किया गया है, क्योंकि वनों के हैं कई उपकार, मिट्टी पानी और बिहार, मिट्टी पानी और बिहार जिंदा रहने के आधार। वन है तभी हम वन नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। सृष्टि को नाश होने से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्र को अपनाना होगा। धर्म बनराकी मूवमेंट के 47वां साल और पौधा निःशुल्क पौधा वितरण संरोपण के 57 साल पूरा होने के उपरांत इस वर्ष नेपाल भूटान समेत देश के 10 राज्यों में 2,00,000 निःशुल्क पौधों का वितरण संरोपण, वृक्षों पर रक्षाबंधन और पर्यावरण धर्म गोष्ठी का आयोजन का निर्णय लिया है। उसी के कड़ी में आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम टेम्पल में आज वृक्षों पर रक्षाबंधन, क्योंकि वृक्ष जो है सांसों का रिश्ता है, वन से सांसों का रिश्ता है। हम जो देता है वो देवता होता है, तो वृक्ष इस धरती और ब्रह्मांड को जीने के लिए ऑक्सीजन देता है, इसलिए वृक्ष को हम लोग देवता मान करते पूजा करते हैं।